मॉर्निंग, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं स्पर्म। इसको हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। आज सबसे पहले आप ये जानेंगे कि स्पर्म होता क्या है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है और स्पर्म का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले आप ये जानो कि स्पर्म जो है ना मेल के शरीर में मतलब पुरुष के शरीर में बनता है, और यह स्पर्म के बिना एक पुरुष पुरुष नहीं होता है। यदि कोई पुरुष है, कोई मेल डिफाइंड होता है किसे, शुक्राणु से। जिस पुरुष के शरीर में शुक्राणु नहीं है तो वो फिर पुरुष कोई काम का नहीं होता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा था अंडाशय के बारे में, ओवरी के बारे में मैंने बताया था, तो उसी प्रकार जो है ना आज एक मेल के इम्पोर्टेंट जो उसको परिभाषित करता है स्पर्म, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि स्पर्म पुरुष के शरीर में निर्माण होता है। सर पुरुष के शरीर में कहाँ निर्माण होता है, तो अंडकोश में। सर ये अंडकोश होता कहाँ है पुरुष के शरीर में, तो बाह्य भाग में होता है और जाने लटका हुआ होता है। हमारे शरीर के तापमान से अंडकोश का तापमान कम होता है। कारण क्या है, क्योंकि अंडकोश में शुक्राणु का निर्माण होता है जिसके कारण उसका तापमान निम्न रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो बच्चों अब जानेंगे कि इस हमारे शरीर में बनता कैसे, बनने की प्रक्रिया। कोई पुरुष यदि भोजन करता है तो भोजन करने के बाद 5 दिन के बाद उसके शरीर में रस बनता है, रस का निर्माण होता है, रस के निर्माण के बाद रक्त का निर्माण होता है, रक्त के निर्माण के बाद उसके शरीर में मांस बनता है, और मांस बनने के बाद मेद बनता है, और मेद बनने के बाद हड्डी बनता है, और हड्डी बनने के बाद मज्जा बनता है, और उसके बाद जाके वीर का निर्माण होता है। आपने क्या देखा, 5-5 दिन का अंतर है यहाँ पे, और वीर को बनने में लगभग 30 दिन लग जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं एक पुरुष के लिए वीर्य का कितना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं साइंस के हिसाब से, साइंस कहता है कि एक पुरुष के शरीर में प्रत्येक दिन स्पर्म बनता है। ये लगभग 50 मिलियन जो है ना स्पर्म बनता है। कितना बनता है, 50 मिलियन स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन ये 50 मिलियन जो स्पर्म होता है मैच्योर नहीं होता है, ये जो है ना अमैच्योर होता है। क्या होता है बच्चों, ये अमैच्योर होता है, मतलब ये कोई काम का नहीं होता है। ये जो है ना इसको 72 घंटा लग जाता है, 72 आवर्स लग जाता है इसको मैच्योर होने में। तो यहाँ पे एक पुरुष के शरीर में 50 मिलियन स्पर्म प्रत्येक दिन बनता है, लेकिन वह मैच्योर नहीं होता है, उसमें कोई भी उस तरह की पावर नहीं होती है जो कि वो कंसीव करा सके, एक प्रेग्नेंट करा सके। तो उसको 72 घंटा लग जाता है उसको किस क्या होने में, तो बच्चों मैच्योर होने में। क्या होने में, मैच्योर होने में, तब वो काम का होता है। तो यदि कोई पुरुष, उस पुरुष के मिलियनों में वो स्पर्म बन रहा है, लेकिन उसमें से एक स्पर्म जो है ना वो स्पर्म क्या करा देता है, एक फीमेल को कंसीव करा देता है, प्रेग्नेंट करा देता है। बच्चों ये जो है ना स्पर्म महिलाओं के गर्भाशय में जाने के बाद वो जो है वहाँ पे 72 घंटा के समथिंग वो क्या करता है, जिंदा रहता है। 72 आवर्स जो है उसके गर्भाशय में, 72 आवर्स उसके गर्भाशय में क्या रहता है, जिंदा रहता है। उसके बाद जाके वो क्या होता है, यदि उसको अंडा मिल जाता है, अंडा से यदि वो क्या मिल जाता है, तो फिर जाके उनकी नेक्स्ट क्रिया होती है, नहीं तो वहीं पे डेड हो जाती है। इस स्पर्म का ये विशेषता है कि इसको जो है शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए, इसलिए शरीर के बाह्य भाग में इसको बनाया गया है। प्रकृति ने इनको जो है शरीर के बाह्य भाग में बनाया, ये शरीर के अंदर भी बना सकता था, लेकिन शरीर के बाह्य भाग में ही क्यों बनाया, क्योंकि हमारा शरीर का जो तापमान होता है ना उस तापमान से कम होना चाहिए। किसका तापमान, तो अंडकोश का। नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पे हम बात करते हैं, सर यह बनता कहाँ पे, तो अंडकोश में। कहाँ पे, अंडकोश में। कहाँ बनता है बाबू, अंडकोश में। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। क्या कहा जाता है, टेस्टिस। अब देखो अंडकोश में प्रत्येक दिन
50 मिलियन स्पर्म बनता है, लेकिन वो अमेच्योर रहता है, अमेच्योर रहता है, वो मेच्योर नहीं होता है, धीरे धीरे वो मेच्योर होता है अंडकोश में, और अंडकोश में जाके क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब बात आती है सर, जिस प्रकार स्त्री में ओवरी में अंडा बन रहा था और वो अंडा शुक्राणु का इंतजार करके कंसीव करना चाह रहा था, और न कंसीव करने के बाद वो जो है ना क्या हो जा रहा था, कुछ समय के बाद मासिक धर्म के माध्यम से बाहर निकल जाता था, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में ये जो 50 मिलियन जो मैच्योर धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, अंडकोश में जमा होता है स्पर्म, ये स्पर्म जो है जमा होने के बाद यदि कोई पुरुष हस्तमैथुन करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, या वो सेक्सुअल चीज़ें रिलेशनशिप बनाता है, तो वहाँ से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलता है। सर यदि इस तरह की क्रियाएं नहीं करती है, यदि उस तरह की एक्टिविटी कोई पुरुष नहीं करता है, तो अंडकोश में ये स्पर्म अपने आप मर जाता है, और मरने के बाद एक नया स्पर्म बनता है। क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रत्येक दिन 50 मिलियन से 100 मिलियन के बीच स्पर्म बनता है जो मैच्योर नहीं होता है, लेकिन ये 50 मिलियन धीरे धीरे जब मैच्योर होता है तो अंडकोश में जाके जमा होता है, और अंडकोश में जब जमा होता है तो उसको यूज करना है। वैसे धीरे धीरे यदि यूज नहीं होता है तो अंडकोश में ही स्पर्म का क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, वो मर जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि पुरुष जो है ना बिना स्पर्म का पुरुष नहीं कहलाता है। अब बात आती है सर, क्या कारण होता है कि एक पुरुष एक महिलाओं को कंसीव नहीं करा सकता है, प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे उसकी स्पर्म की क्वालिटी जो होती है, स्पर्म की गुणवत्ता जो होती है कमजोर हो जाती है। आज के डेट में हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह डेवलप कर गया है कि 11 साल से 12 साल के बच्चे गंदे गंदे मूवी देखता है, गंदे गंदे चीज़ों देखता है, नशा करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, जिसके कारण उसके स्पर्म धीरे धीरे वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद धीरे धीरे स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो जो है ना एक फीमेल को कंसीव नहीं करा पाता है। यही आप लोग आसपास में जानते होंगे या आप सुने होंगे कि बहुत पुरुष जो है ना क्या है, वो जो नपुंसक होता है, मतलब वो एक फीमेल को संतान नहीं दे सकता है। कारण क्या है, तो मुख्य कारण है कि यदि कोई पुरुष वो जो है ना संतान नहीं पैदा कर सकता है, तो उसका मुख्य कारण है कि उसके स्पर्म की क्वालिटी क्या है, कमजोर है, उसका जन पतला हो गया है, उसका गुणवत्ता खत्म हो गया है। सर इसका मुख्य कारण कमजोर खत्म होने का, क्योंकि एक पुरुष जो है ना, मतलब मेल जो है ना, जब 13 साल का होता है ना, कोई बच्चा यदि 13 साल का लड़का हो जाता है तो उसके शरीर में स्पर्म का निर्माण होना चालू हो जाता है। यदि वो स्पर्म का निर्माण चालू हुआ और प्रत्येक दिन गंदे मूवी देखे और गलत संगति से नशा, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस चीज़ की वजह से यदि स्पर्म को नष्ट करता है, देखिए कुछ बात ऐसी होती है जैसे स्पर्म का कमजोर होने का, सबसे पहले ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आप नशा करते हैं, यदि कोई पुरुष नशा करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, इसमें स्पर्म उसका कम होता है। यदि दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, यदि उसको बार बार जो है ना हस्तमैथुन के माध्यम से बाहर निकालता है, उसको खत्म करता है, उसको बर्बाद करता है, तो दोनों फैक्टर मिल करके उस पुरुष को क्या बना देता है, नपुंसक बना देता है। यदि वो पुरुष यदि बच्चे पैदा भी कर देता है तो उसके बच्चे को डिफरेंट प्रकार की बीमारी होती है। अब आप सुने होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, हमेशा उसको जन हमेशा मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उसके पिता का स्पर्म सही नहीं था, जिसके कारण उसके बच्चे हिस्पुष्ट नहीं हुआ, या उसकी माँ की जो है ना अंडा में कहीं ना कहीं क्या थी, ठीक है, क्या कहते, कमजोर था, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये फैक्ट जो ना दोनों पे, एक पुरुष पे भी काम करता है, एक महिलाओं पे काम करता है। लेकिन यदि संतान की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम भूमिका होता है पुरुष का। यदि पुरुष का स्पर्म की क्वालिटी अच्छा है तो उसके बच्चे हृष्टपुष्ट होता है, उसके बच्चे स्वस्थ होता है। यदि उसमें स्पर्म की क्वालिटी कम है, कभी कभी ये भी सुने होंगे कि जो ना, मतलब जो ना ड्रिंकिंग, स्मोकिंग,
बच्चे बच्चे से कर रहा है फिर भी उसको संतान हुआ है। बच्चों संतान हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन संतान हुआ कैसा ये मायने रखता है, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, या रोज उसको जो ना मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इसलिए खास करके पुरुष को ड्रिंकिंग स्मोकिंग और जन ये गंदे मूवी जो है जितने भी जो हमारे विदेशी कल्चर जो हमारे देश में आ गया है इसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके एक पुरुष होता है। इसको ज्यादा वेस्ट करना पुरुष के लिए घातक होता है और ज्यादा स्टोर करना भी घातक होता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा बनाया कि यदि हम स्टोर करते हैं ना तो ये अपने आप अंडकोश में खत्म हो जाता है। बच्चों ये वीडियो यदि आपके लिए लाभदायक हो या आपको जो नॉलेजेबल हो, आपके लिए जो ना ज्ञान की बातें हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियो फिर लाता रहूं। थैंक यू।